मंशूर बिलावल, बीबी तेरी आंखों का लगे नूर बिलावल। नाना कहिए हाथ में मंशूर बिलावल, बीबी तेरी पूरा मुल्क का दौरा करने के बाद पख्तूनख्वा के पहाड़ों से पंजाब के वादियों से बलूचिस्तान और सिंध के रेगिस्तान से होते हुए कराची मैं मुहिम चलाने के बाद मैं अपना घर वापस आया हूं। मैं सबसे पहले तो लड़कानों के अवाम का शुक्र गुजार हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लड़कानो। आपने हमारे साथ जो वफादारी लड़कानों के अवाम ने मेरे साथ मेरे खानदान के साथ मेरा सियासी जमात के साथ दिखाया है, आपने तो दुनिया में अपना ही तारीख रकम किया है। लारकानों के अवाम जब वजीर आजम बनाते हैं तो फिर पूरा मुल्क का तरक्की होता है। ये आपका तारीख है, ये आपका तारीख है। जब लारकानों वजीर आजम बनाता है तो पाकिस्तान एटॉमिक ताकत बन जाता है। जब लारकाना वजीर आजम बनाता है तो फिर पाकिस्तान पूरी मुस्लिम उम्मा का कयादत करती है, पूरी मुस्लिम उम्मा की। जब लारकानों वजीर आजम बनाता है तो पूरी दुनिया उस वजीर आजम का बात मानती है, चाहे वो मगरिब हो, चाहे वो मशरिक हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, दुनिया को मालूम होता है कि ये तो अवाम का असल नुमाइंदगी करने वाला है। जब लारकानों वजीर आजम बनाता है तो पसमानदा तबकात का नुमाइंदगी होता है, इस मुल्क का आवाम का नुमाइंदगी होता है। तरक्की लारकानों का वजीर आजम जब तरक्की की बात करते हैं तो वो अपनी तरक्की की नहीं,
अपने दोस्तों की तरक्की की नहीं, अमीरों और अशराफियों की तरक्की की नहीं, इस मुल्क की अवाम की तरक्की की बात करते हैं। जब लड़काना का वजीर आजम बनता है तो फिर इस मुल्क की मजदूरों को मेहनत का सिला भी मिलता है, इस मुल्क के हारियों को, इस मुल्क के किसानों को अपनी फसल की कीमत भी मिलती है, इस मुल्क के नौजवानों को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को रोजगार के मौके मिलते हैं। जब लड़कानों का वजीर आजम बनता है तो इस मुल्क का सफेद पोश तबका भी तरक्की करता है। जब लड़कानों का वजीर आजम बनता है तो वो मेहनत करने वाले, वो छोटे ताजिर, वो भी तरक्की करते हैं। जब लड़कानों का वजीर आजम बनता है तो फिर इस मुल्क में बिला तफरीक काम किया जाता है। जब लड़कानों का वजीर आजम बनता है तो इस मुल्क की खवातीन की ख्याल रखा जाता है। जब लड़कानों का वजीर आजम बनता है तो इस मुल्क की अकलियतों को तहफ्फुज दिया जाता है। बड़े अरसे से इस मुल्क को लड़कानों का वजीर आजम तो नहीं देखे हैं, और अब बारी है आपकी, बारी है लड़कानों की आवाम की। ये तमाम सियासी जमातें आप देखें, उनको तमाम जो इलेक्शन में हिस्से ले रहे हैं, ये अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। वो अब अपना आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं, अपने आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। हमने इन सब को देखा है, इन सब को भुगतता है। वजीर आजम बनने से पहले वो कोई एक चीज कहते हैं, वजीर आजम बनने के बाद वो कोई और चीज करते हैं। आपको मालूम है कि जो लड़कानों के वजीर आजम बनते हैं वो सच्चे हैं, वो अपने वादे पे अमल दरामद करते हैं। ये जो पुराने 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 सियासतदान जो आज तक सियासत में है, वो नफरत और तकसीम के अलावा कुछ नहीं जानते। ये इस मुल्क को अपनी नफरत की सियासत की वजह से खतरे में डाल रहे हैं। इनका सियासत सियासत ही नहीं रहा, इन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया है, इन्होंने सियासत को तो गाली बना दिया है। पूरा मुल्क मायूस है, पूरा मुल्क मायूस है। क्या ये हमारा किस्मत में है कि हमने इन्हीं शक्लों को बार बार देखना है? इन्होंने हमारा मीशत को नुकसान अगर हुआ तो इन बुजुर्ग पुराने सियासतदानों की अना और जिद की वजह से हुआ है। वो अपना जाती दुश्मनी की वजह से पाकिस्तान की मीशत को नुकसान पहुंचाए हैं, हमारा वफाक को नुकसान पहुंचाए हैं, हमारा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाए हैं। और सिर्फ इसलिए कि वो चौथी बार उस कुर्सी पर बैठने चाहते हो, इसकी फिक्र नहीं है कि ये जिद की वजह से पाकिस्तान
पाकिस्तान की जमहूरियत, जिसके लिए यहां की आवाम ने खून की कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी दी, उस जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है? इनकी जिद की वजह से जो वो हमारा मईशत के साथ खेलते रहते हैं, उनको एहसास नहीं है, फिक्र नहीं है, अंदाजा नहीं है कि ये आवाम कितना मुश्किल में है, कितने तकलीफ में है। इनके जाती दुश्मनी की वजह से हमें एक मुआशी बहरान में धकेला गया है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, मगर इनको फिक्र नहीं। फिक्र है तो उस कुर्सी का। आप इनकी जो तरीकेकार है वो देखे, इन्होंने ना अपना मंशूर अवाम को बताया है, ना अवाम के पास ये है कि हमें वोट दे, ना इन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाया है। वो इतने पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम बाशूर अवाम है, वो इनको भी पहचानते हैं, इनके तरीकेकार को भी पहचानते हैं। हमने अगर इस मुश्किल से निकलना है, अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में हम वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करें जिससे हम वो मुआशी स्टेबिलिटी लेकर आ सके, जिससे अवाम का मुआशी फायदा हो, उनके असल मसाइल का हल हो, तो ना नून लीग ना पीटीआई ये काम कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ये काम कर सकती है। मैं आपको आज से बताता हूं कि अगर इनमें से कोई जीत जाते हैं तो अगला दिन वो धरना वरना की सियासत फिर से शुरू होना है। इन्होंने फिर से आपकी खिदमत के बजाय सियासी इंतकाम लेना है, आपकी मसाइल हल करने के बजाय इन्होंने अपने सियासी मुखालफीन का पकड़ दकर करना है। हमने ये फिल्म अब 3 दफा देखे हैं, हम जानते हैं कि चौथी बार क्या होगा। पहली दफा वो बना तो उन्हीं से लड़ पड़ा जिन्होंने उसको बनाया, नुकसान आपका हुआ, उस मुल्क इस मुल्क का हुआ। दूसरी दफा वो अमीर और मोमिनीन बनने का ख्वाब देख रहा था, दूसरी दफा इसको फिर बनाया गया उन्हीं लोगों से लड़ पड़ा, उन्हीं लोगों से लड़ पड़ा जिन्होंने इसको वजीर आजम दूसरी दफा बनाया। नुकसान आपका हुआ, मुल्क का हुआ, जमहूरियत का हुआ, मईशत का हुआ। तीसरी दफा यके होता है, तीसरी दफा इसको एक आरओ इलेक्शन के थ्रू आप पे मुसलत किया गया, फिर से वो ही काम किया, उन्हीं लोगों से पंगा लिया जिन्होंने उसको बनाया। नुकसान जमहूरियत की, नुकसान पाकिस्तान की, नुकसान पाकिस्तान की मईशत की, पाकिस्तान की आवाम की। अब चौथी बार वो अपने आप को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चौथी बार ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि वो 8 फरवरी को नहीं, वो अभी से चौथी बार वजीर आजम तो बन चुका है। और इन्होंने करना कुछ यही है, इन्होंने करना कुछ यही है कि चौथी बार अगर बन भी गया तो 6 महीना के अंदर ही अंदर उसने वो ही रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। आपने 8 फरवरी को इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। 8
कैलवरी को तीर पे थप्पा लगाकर आपने शेर का रास्ता रोकना है। ये वो शेर है जो आवाम का खून चूसता है, खून चूसता है। ये मजदूरों का खून चूसता है, किसानों का खून चूसता है, गरीबों का खून चूसता है। एक ही रास्ता है कि आप इस तीर और शेर का जो मुकाबला हो रहा है कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, तीर पे थप्पा लगाए, तीर पर मोहर लगाए और हम मिलके शेर का शिकार कर सकेंगे। हमने हुकूमत में आके दो काम करना है। एक, हमने ये नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना है। हमने पाकिस्तान को जोड़ना है, तकसीम नहीं करना। ये तो जो भी आप सियासी जमात को, मुस्लिम लीग अपनी ताकत की नशा में इस मुल्क को तकसीम कर रहे हैं, तो फिर बाकी जो सियासी जमातें हैं, कोई मजहब के नाम पे हमारा मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं, कोई फिरका वारियत के नाम पे हमारा मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं, कोई लिसानियत के नाम पे हमारा मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला हम 8 फरवरी को इनको जवाब देंगे कि ना मेरा ना तेरा, ये हम सब का पाकिस्तान है और हम किसी को इस पाकिस्तान को अपनी सियासत की वजह से, अपनी नफरत की सियासत की वजह से हम इनको इस मुल्क को तकसीम नहीं करने देंगे। जो दूसरी काम है वो ये कि हमने पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना है, रिलीफ देना है। और अगर रिलीफ देना है तो मैंने तरीका बता दिया है अपना अवामी मुआशी मुआहिदा में, बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है कि रिलीफ देने के लिए आपको पैसा की जरूरत है। पूरी दुनिया कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुश्किल मुआशी फैसले लेने चाहिए, तो ये मेरा मुश्किल मुआशी फैसले होंगे कि एक जो 17 वजारतें वफाक में आज तक चलते आ रहे हैं, इनको 2015 में डिवॉल्व होके सूबों के पास मुंतकिल होने चाहिए थे। ना मियां साहब ने किया, ना खान साहब ने किया, और सालाना आपका 300 अरब रुपया इन वजारतों को चलाने में जाया हो जाते हैं। साथ साथ अशराफिया को सालाना 1500 अरब सब्सिडी की सूरत में रिलीफ दिया जाता है। सब्सिडी की सूरत में अशराफिया को 1500 अरब सालाना आपका पैसा, इस मुल्क के गरीब अवाम का पैसा अशराफिया को जाता है। तो मैंने तय किया है कि हम वो 17 वजारतें भी बंद करेंगे, हम ये अशराफिया से भी ये सब्सिडी, ये पैसा छीन के अवाम पे खर्च करेंगे, लड़कानों के अवाम पे खर्च करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला अगर हमें वफाकी हुकूमत मिला तो हमारा पहला वादा है कि हम पाकिस्तान के अवाम का आमदनी में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुगनी करके दिखाएंगे। हम पाकिस्तान के गरीब अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली सोलर के थ्रू दिलवाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम 30 लाख घर इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए बनाएंगे और उस घर में रहने वाले खवातीन को मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। और मुल्क भर में जो कच्ची आबादियां है उन तमाम कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करके वहां के रहने वालों को मालिकाना हकूक दिलवाएंगे। हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा भी करेंगे मगर साथ साथ अपने नौजवानों के लिए बेनजीर यूथ कार्ड लेके देंगे ताकि उनको माली मदद मिले,
अपने मजदूरों के लिए बेनजीर मजदूर कार लेके देंगे ताकि हमारे जो मजदूर है उनको अपना मेहनत का सिला मिले, उनको अपना पेंशन मिले, उनके बच्चों का, उनके बुजुर्गों का हम ख्याल रख सके। हम अपने हारियों के लिए बेनजीर हारी कार लेके देंगे जिससे हम वो 1500 अरब जो अशराफिया को पैसा जाता है इंशाल्लाह ताला हारी कार्ड के थ्रू ये मेरे हारी के जेब में पैसा जाए। हम साथ साथ इंशाल्लाह ताला भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करेंगे और जो हमारे बच्चे स्कूल में जब आते हैं उनको हम स्कूल में ही खाना खिलाएंगे ताकि पाकिस्तान का कोई बच्चा भूखा ना सोए। रही बात तालीम और सेहत का, उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। हमने मुल्क भर में आपका सूबा सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी कायम करना है और मुफ्त इलाज का, मयारी इलाज का हॉस्पिटल कायम करना है। ये मेरे और इस मुल्क के अवाम के दरमियान एक अवामी मुआशी मुआहिदा है। हमें वफाकी हुकूमत मिला तो इंशाअल्लाह ताला हम मिलके इस पे अमल दरामद करेंगे, गुर्बत बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं बाकी सियासतदानों की तरह मैं जाती अना की सियासत नहीं करता। मैं समझता हूं कि मेहनत करना चाहिए, मेहनत का पल जरूर मिलता, हार जीत अल्लाह ताला की हाथ में होते हैं। अगर इंशाअल्लाह ताला वैसे आप जीत रहे हो, मैं आपको बताऊं आप तो जीत रहे हो। मियां साहब के हालात बहुत ही पतले हैं भाई, बहुत ही पतले हैं। उनको मालूम ही नहीं है इसलिए वो खुद गया ही नहीं ना। मैं पूरा मुल्क का दौरा करके आया हूं तो पख्तूनख्वा के बारे में आपको बता दूं कि मियां साहब तो अपना सीट आ रहा है, बाकी पख्तूनख्वा तो दूर की बात है। बलूचिस्तान से मैं होकर आया हूं, मैं चैलेंज करता हूं किसी और जमात को, किसी और वफाकी जमात को कि आए बलूचिस्तान में किसी भी इलाका में जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैसे क्वेटा में जलसा किया, अगर आप वो मुकाबला कर सकते हो तो मान जाएंगे, वरना ग्राउंड रियलिटी ये है बलूचिस्तान में। ऊपर से अगर कुछ होता है मुझे नहीं मालूम, ग्राउंड रियलिटी बलूचिस्तान में यह है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तो आगे ही आगे है और बाकी जो इक्का दिक्का सीट रहते हैं मेरे मक्सी साहिबान बैठते हैं वो मुझे दिलवाएंगे। फिर रही बात जुनूबी पंजाब की, हमारा वसीब की, मैं आपको बताऊं कि इस बार मियां साहिबान ने मुल्तान जैसे शहर में जलसा किया ही नहीं। मतलब वसीब उनके हाथ से तो गया। आज जाते हम जीटी रोड पे जितना टफ टाइम मियां साहब को इस वक्त दिया जा रहा है, सब कुछ होने के बावजूद इतना टफ टाइम दिया जा रहे हैं कि इनके पसीना छूट रहे हैं, पसीना छूट। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि वहां भी मुश्किल होगा। चंद सीटें तो जरूर निकाल देंगे मगर क्लीन स्वीप वाला हालात वो तो ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक नहीं है। आते हम लाहौर पे यार, लाहौर इनका तख्ते लाहौर हिल रहा है ऐसे हिल रहा, तख्त तो चले जाएंगे। ये तो पूरा टबर जो है वो लाहौर के सड़कों पे फिर रहे हैं, अवाम उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। बहन किसी पे, भाई किसी पे, मियां साहब दूसरी जगह, छोटे मियां विभाग दौर, अवाम तो इनको शक्ल ही नहीं देखना चाह रहे, शक्ल ही नहीं देखना चाह। मैं लाहौर गया हूं,
मैं लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं, उसी शहर से जहां इस जमात की बुनियाद रखी गई। और मैं आपको बताऊं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है, तो वो मैं वो लाहौर सीट का जो सीट है आपके लिए जीत के मैं वो आपको सीट दिलवाऊंगा। आ जाते हैं हमारा सिंध, आ जाते हैं हम सिंध में। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि मैंने दूध और शहद के नहरे बहा दिए हैं। मैं जानता हूं कि मसाइल हैं, मसले हैं, मुश्किलात हैं, मगर मैं यहां के अवाम को सलाम पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं। आपने जिस वफादारी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिए हैं, हर इलेक्शन में हमें पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीटें दिलवाए हैं। ग्राउंड रियलिटी, अगर कोई मियां साहब का रोना धोना ना माने तो सिंध का हकीकत यह है कि तमाम तीरों की बारिश इतना ज्यादा हो रहा है। क्या आप जिस तरीके से बल्दियाती इलेक्शंस में पूरा सिंध स्वीप कर चुके हैं ना, मुझे 8 फरवरी को उसका एक्शन रीप्ले नजर आ रहा है। आप मुझे वो सेंचुरी का मार्क तो इंशाल्लाह ताला हम बड़ा आसानी से क्रॉस करेंगे। और जिस तरीके से कराची के अवाम ने, हैदराबाद के अवाम ने बल्दियाती इलेक्शंस में मुझे हैदराबाद का मेयर भी दिलवाया, कराची का मेयर भी दिलवाया, इंशाल्लाह ताला इस बार हक तो आपका है। ग्राउंड पे तो आप भी हो, कैंपेन तो आपका ही है कि अक्सरियत के सीट्स जो कराची के हैं और हैदराबाद के हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, साफ शफाफ इलेक्शंस हुए, तो नेक टू नेक मुकाबला है भाई, नेक टू नेक मुकाबला है। अब हमने 8 फरवरी का दिन निकालना है। आपने बड़ी तादाद में जाके वोट डालना है, आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है। ये नहीं सोचना कि पीपल्स पार्टी तो जीत रही है, मेरे वोट का फर्क है। आपका वोट की वजह से हम जीतते हैं, आपकी साथ की वजह से हम जीतते हैं। माजी में हमने तमाम साजिशें जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनते रहे, आज भी बन रहे, वो तमाम साजिशें के उस तरीके से नाकाम किए हैं कि आप इतने तादाद में बाहर निकलते हो, इतना तादाद में हमें वोट डालते हो कि गड़बड़ करने वाले जो है वो गड़बड़ नहीं कर सकते। तो आपने इस बार भी वैसे ही निकलना है, पिछली दफा की तरह वो गलती ना करे। अपने फॉर्म 45 लिए बगैर अपना पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं निकलना है। अगर जैसे मैंने आपको बताया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो हारो या जीतो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहेगी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, मुआशी तरक्की हो और यह मुल्क आगे चले। मगर मैं आज से आपको बता रहा हूं कि अगर मेरा वोट पे डाका मारा गया, किसी ने छेड़छाड़ की, और मैं जानता हूं कि आप कौन हो, कहां बैठे हो, नाम भी जानता हूं कि किस कौन ये कोशिशें कर रहे हैं, अगर मेरा वोटों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ तो फिर मैं ऐसे इनका पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को तो भूल जाएंगे। मैंने खान साहब को पहले दिन पे कहा कि ये सिलेक्टेड है और 3 साल उसका हुकूमत नहीं चल सका। मैं चाहूंगा कि अगर हम जीते तो अवाम की वोटों की ताकत की वजह से, अगर हम साफ शफाफ तरीके से जीतते हैं तो फिर उम्मीद यह है कि हमारे जो मुखालफीन हैं वो भी सियासत के दायरे में रह के सियासत करेंगे। और हम भी यही प्रिंसिपल रखते हैं कि अगर वो साफ शफाफ इलेक्शन जीतते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह चौथी बार आपने वही चीज करना है तो करके दिखाए। वोट पे डाका नामंजूर,
आपके वोट पे डाका, लड़कानों के वोट पे डाका, सिंध का वोट पे डाका, बलोचिस्तान के वोट पे डाका, वसीम का वोट पे डाका, लाहौर का वोट पे डाका, पश्तूनख्वा के वोट पे डाका, पाकिस्तान के वोट पे डाका। नारे भुट्टो, नारे बेनजीर। साथियों, इंशाल्लाह ताला जीत आपकी है, जीत तीर की है। हमने आप ही के साथ रहना है, हमने आप ही के साथ रहना है। इंशाल्लाह ताला मैं ये साबित कर दूंगा कि लड़काने वाले जब फैसला कर जाते हैं तो फिर पूरे पाकिस्तान को वो फैसला मानना पड़ता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने पूरी नींद करने आज रात, इसलिए अगले चंद दिनों में हमें नींद नहीं मिलेगी जब तक हम अपने रिजल्ट्स के साथ बाहर नहीं निकलते। जियो लड़कानों वालों, जियो। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।